आज हम बात करेंगे कंफर्म प्रेगनेंसी साइंस की। वो कौन सा साइन होता है जो एक प्रेग्नेंट लेडी खुद से फील करती है। नाउ वेलकम टू द प्रकाश इन नर्सिंग। सबसे पहला कंफर्म प्रेगनेंसी साइन लेडी खुद से फील करती है और जिसे हम कहते हैं क्विकनिंग। क्विकनिंग का क्या अर्थ होता है? फर्स्ट फीटल मूवमेंट, यानी कि बच्चा जब पहली बार गर्भ के अंदर घूमता है, कुछ मूवमेंट करता है, किक करता है, उसे कहते हैं क्विकनिंग। सो फर्स्ट साइन है एक्टिव फीटल मूवमेंट, यानी फीटल के जो मूवमेंट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, आप क्या करते हो वुमेन को प्रत्येक 3 मंथ पर आप एंटीनेटल चेकअप में लेकर जाते हो। एंटीनेटल चेकअप में वहाँ पर जो एग्जामिनर होते हैं वो 20 वीक पे पालपेट करके ये जान लेते हैं कि फीटस के बॉडी पार्ट उनको फील होने लगते हैं। सो सेकंड पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, पालपेशन ऑफ फीटल पार्ट, यानी फीटल के पार्ट्स को पालपेट करके देखा जा सकता है। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, और अल्ट्रासाउंड में क्या आता है कि एक गेस्टेशनल सैक बना हुआ दिखता है जो कि आपको 5 वीक पर दिखेगा। 5 वीक यानी 5 सप्ताह कंप्लीट हो जाने पर एक गेस्टेशनल यानी कि जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है वो साइट आपको USG के रिपोर्ट में देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है फीटल स्कल्टन। फीटस का जो स्कल्टन है यानी उसकी जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, बोन्स होती हैं, वो एक्सरे के अंदर 16 वीक पर यानी 16 सप्ताह कंप्लीट होने पर दिखने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर कि फीटल की हर्ट साउंड को कैसे असेस किया जाएगा। अगर आपको फीटल की हर्ट साउंड मिल रही है तो ये भी एक कंफर्म साइन होता है कि प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म हो गई है। अब हम फीटल हर्ट साउंड को कैसे असेस करेंगे, तो फीटल हर्ट साउंड को असेस करने के लिए लियोपोल्ड मैनूवर यूज़ की जाती है, और लियोपोल्ड मैनूवर को आप डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, USG कराते हैं। USG के थ्रू भी होता है, और हम दो तरीके से इसको असेस कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक तो डॉपलर से और दूसरा फीटोस्कोप के ज़रिए। डॉपलर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फीटोस्कोप जो होता है वो नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। सो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके फीटस के हर्ट साउंड को सुना जाता है। और ये कब होता है, जब एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं उनमें इसको असेस किया जाता है। सो अगर हम बात करते हैं कि USG यानी अल्ट्रासाउंड के जरिए कब हम हर्ट साउंड को सुन सकते हैं बच्चे की, 6 सप्ताह पर। जब 6 सप्ताह हो जाएंगे तो फीटल हर्ट साउंड आपको USG के थ्रू सुनाई देगी, और डॉपलर के थ्रू आपको 10 से 12 वीक में सुनेंगे आप। और इसके बाद जब आप फीटोस्कोप के जरिए अगर चेक करते हैं तो फीटोस्कोप से 20 वीक पर हर्ट साउंड सुनाई देती है। सो आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, और अगर आपको अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी समझना है तो राइट साइड वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आपको प्रोबेबल साइन समझना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करें। सो स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, एंड दिस इज साइनिंग ऑफ।